दोस्तों ये कहावत तो आप लोगों ने सुनी ही होगी कि जहां पर सुख होता है वहां पर दुख भी होता है। अगर कुछ चीज आपके लिए खुशी लेकर आती है तो वो अपने साथ गम को भी लाती है, और हर खुशी के पीछे एक दुख छुपा रहता है और हर दुख के पीछे खुशी भी छुपी रहती है। अब तेजा का ही देख लीजिए, तेजस्वी प्रकाश को नागिन करने से काफी फायदा हो रहा है। पैसों की कमी नहीं है, दमादम पैसे बरस रहे हैं। पॉपुलैरिटी तो जैसे ऐसे गिर रही है जैसे कि तेजस्वी के इतने सालों के काम पे नहीं गिर रही होगी, लेकिन इन सब के एवज में तेजस्वी प्रकाश खो रही है एक जरूरी इंपॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ। एक सबसे बड़ा नुकसान हुआ है और जो सपना उन्होंने बचपन से देखा था वो पूरा होते होते रह गया है। स्वागत है आपका मेरे अपने चैनल टेली खजाना में। मैं हूँ आपका यारों का यार, आपका होस्ट राहुल भोज। चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फॉलो करें। अब दोस्तों नागिन की बात करते हैं। टीआरपी के मामले में नागिन अभी हिचकोले खा रहा है, बट इवेंचुअली तेजस्वी को हर कोई अप्रिशिएट कर रहा था। तेजस्वी के इस नागिन को हर कोई अप्रिशिएट कर रहा है, ये बात तो हम सबको पता है। और ऐसे में ये भी बताना चाहता हूँ कि तेजस्वी प्रकाश को नागिन की वजह से नुकसान भी हो रहा है। नुकसान ये हो रहा है कि तेजस्वी कोई और प्रोजेक्ट नहीं कर पा रही है। एक लीडिंग डेली की अभी मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में लिखा है कि टी सीरीज की तरफ से तेजस्वी को एक बहुत बड़ा रोल ऑफर हुआ था। जी हाँ, अपकमिंग फिल्म में टी सीरीज की वजह से बहुत बड़ा रोल ऑफर हुआ था, और ऐसे में तेजस्वी प्रकाश ने वो ना कर दिया। ऐसा नहीं है कि वो रोल मीठी नहीं था, फ्लैशी नहीं था, एवरीथिंग वॉज देयर इनसाइड दैट रोल। बट बात ये हुई कि तेजस्वी प्रकाश ने वो इसलिए कर दिया क्योंकि नागिन के कमिटमेंट के चलते, नागिन की वजह से उनको एक दिन की भी छुट्टी नहीं मिल रही है। मंडे से लेकर सैटरडे तक लगभग वो काम ही काम कर रही है। कभी कभार संडे को कोई छुट्टी मिलती है तो ठीक है, अदरवाइज तेजस्वी प्रकाश को कोई भी इस तरीके का आराम नहीं है, सुख नहीं है। अब तेजस्वी प्रकाश की अगर बात करें तो तेजस्वी प्रकाश she was keen to do work with other things like जैसे म्यूजिक वीडियो करना चाहती हैं वो, या एड्स करना चाहती हैं, बट वो नहीं कर पा रही जस्ट बिकॉज ऑफ नागिन। सो दोस्तों आपको क्या है कहना, ड्रीम प्रोजेक्ट है, डेब्यू प्रोजेक्ट था, बट अनफॉर्चुनेटली रह गया। बट कोई बात नहीं तेजस्वी, अब ये नागिन कर लो, दो तीन महीने, चार महीने, पाँच महीने, उसके बाद मस्त करना अपनी मूवीज, मस्त करना, हम लोग वेट करते हैं आपका। दोस्तों आपको क्या है कहना इस बारे में, कॉमेंट कर देना। हाँ मैं चलता हूँ और खबरें लेकर आता हूँ। बाय।